आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। बाहुबली कहे जाने वाले मिर्जापुर सोनभद्र के एमएलसी श्याम नारायण सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। पहलवान ने एमएलसी से हाथ मिलाना चाहा तो पहले हाथ ही नहीं छुड़ा पाए। इसके बाद एमएलसी ने पंजा दांव चला कि पहलवान पलटी खाकर चित हो गए। पहलवान को चित होने पर जमकर दंगल प्रतियोगिता में पहुंचे दर्शकों ने तालियां बजाई। पूर्वांचल के बाहुबलियों में गिने जाने वाले एमएलसी श्याम नारायण और पिनी सिंह के राजनीति दांव जग जाहिर है। राजनीति के खाड़े विपक्ष को पटकनी देने में माहिर विनीत ने कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में बिना मिट्टी लगाए पंचा दांव से पहलवान को चित कर दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि विनीत सिंह से पहलवान ने हाथ मिलाया, इसे वह छुड़ा नहीं पाए। थोड़ी देर बाद वह विनीत सिंह ने अपने दोनों हाथ से पहलवानों के दोनों हाथों को पकड़कर दांव लगाया और पहलवान को चित कर दिया। कहा कि पहलवानी शारीरिक बल से नहीं, सतर्कता और सजगता के बल पर लड़ी जाती है। उन्होंने इसे बचाकर खूब मनोरंजन करने को कहा, लेकिन उनकी जैसे दांव मारते हैं उनकी फुर्ती समझ में मुझे नहीं आ रही, उसमें तो सुधार लेना होगा। दांव मारने के बाद तुरंत सेकेंड अटैक होना चाहिए और निगाह से कुर्सी लड़ी जाती है। और कुश्ती सोचने खाली शरीर से लड़ने दांव तो नहीं लड़ पाएंगे। निगाह कहाँ है अगले का दांव में, निगाह हाथ कहाँ है उसकी, ये देखिए कुश्ती हमेशा निगाह पे होती है, क्योंकि पहलवानी के पास अलग है, हम लोग की अलग अटैक रहता है। हम जूडो कराटे वाले हम आगे देखते हैं, जान लीजिए मार्शल आर्ट वाले हैं हम वही देखते हैं अपना, इसलिए आपके लिए दाव में अभी तक खड़े कुश्ती मिट्टी के लड़ रहे हैं, जब गद्दे के कुश्ती लड़ेंगे जब पॉइंट का मामला आता है, एक एक सिर्फ निकाल पे एक एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट मिलती है आपको, लापरवाही नहीं करिए। गाजी को पहलवान लड़े अपने लिए वजन में 30 किलो का अंतर है, जो क्या पहलवान था आप काशी क्षेत्र से सटे हुए हैं, ये रामलला के यहाँ से लड़े हैं, यहाँ माता के दरबार में कुश्ती हो रही है, भोलेनाथ के नगरी से चलकर माँ के दरबार में आप लोग आए हैं, कलाकारी दिखाइए, प्रदर्शन अपना दिखाइए। धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा आप पहलवानी, इसलिए कमे छठे पहलवान हैं अपनी कलाकारी दिखाइए। और आप लोग रेफरी लोग जो है, कोई नाक पे हाथ जा रहा, किसी का आँख पे जा रहा है, किसी का उंगलियों पे फिंगर पे जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए, फाउल हो जाता है, फाउल पॉइंट को काट दिया करिए, फाउल करते हुए जो कुश्ती लड़ेगा उसको कुश्ती नहीं मानी जाएगी, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। बढ़िया कुश्ती का आनंद सब लोग उठाएं, हम लोग आगे कार्यक्रम लगा है, जाना है, कोई भाषण का विषय नहीं है कि मैं यहाँ भाषण दूँ, बस सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा कि पहलवान हमारे हैं, पहलवानों के लिए हमेशा सबको तत्पर रहना चाहिए। ये एक स्पोर्ट्स का ये भी बहुत बड़ा हिस्सा है, ओलंपिक तक जाते हैं हमारे पहलवान, देश के नाम रोशन करते हैं, इसलिए इनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा दो लाइन, इन पहलवानों के सपनों को दूर होते हुए मैंने देखा है, जो मिला नहीं उसे भी खोते हुए देखा है, लोग करते रात को वो गिरती है, मैंने इन पहलवानों को कामयाबी के ये रोते हुए भी देखा है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।